दोस्तों, मैंने YouTube के कई अपडेट्स पर वीडियो बनाई हैं, लेकिन आज जो अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आप सच में खुश हो जाओगे। ये YouTube का अब तक का सबसे बड़ा और शानदार अपडेट है और आपको ये पक्का पसंद आएगा। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसे अपडेट्स YouTube बहुत कम लाता है। अब सुनो, YouTube को पता चला कि बहुत से चैनल कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक की वजह से डिलीट हो गए हैं। असल में होता ये है कि गाइडलाइंस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और क्रिएटर्स कभी कभी उन्हें सही से समझ नहीं पाते, तो गलती हो जाती है और फिर स्ट्राइक लग जाती है। पहले भी YouTube ने इसे थोड़ा आसान किया था। जैसे अगर आपको गाइडलाइंस स्ट्राइक मिलती है तो पहले एक वार्निंग देते थे, फिर आपको एक ट्रेनिंग दी जाती थी। अगर आप वो ट्रेनिंग कर लेते तो आपकी स्ट्राइक हट जाती थी। ये बहुत अच्छा फीचर था, लेकिन अब YouTube एक और बड़ा अपडेट लेकर आ रहा है। YouTube के फोरम में एक Google कर्मचारी ने बताया कि 19 सितंबर 2024 को एक नया फीचर टेस्टिंग में लाया जाएगा। अब ये हो रहा है कि अगर आपकी वीडियो पर गाइडलाइंस का उल्लंघन होता है, जैसे कि आपकी वीडियो पर एज रिस्ट्रिक्टेड का टैग लगा दिया जाता है या फिर आपकी मोनेटाइजेशन बंद कर दी जाती है, तो आपको उस वीडियो को एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। अब ये एडिटिंग कैसे काम करेगी? मान लो आपकी वीडियो के किसी हिस्से में गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ है, तो YouTube आपको बताएगा कि वीडियो के किस हिस्से में दिक्कत है। आप उस पार्ट को काटकर या एडिट करके दोबारा सही कर सकोगे। इससे ना सिर्फ आपकी वीडियो वापस आ जाएगी, बल्कि उस पर लगी स्ट्राइक भी हट जाएगी। ये फीचर फिलहाल कुछ खास गाइडलाइंस वायलेशन पर ही लागू हो रहा है, लेकिन YouTube इसे धीरे धीरे और भी गाइडलाइंस पर लागू कर सकता है। और हाँ, ये सिर्फ एज रिस्ट्रिक्शन पर नहीं बल्कि दूसरे नियमों के उल्लंघन पर भी काम कर सकता है। तो दोस्तों, ये अपडेट क्रिएटर्स के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। अब अगर गलती से कोई गाइडलाइंस वायलेशन हो भी जाता है तो आप उसे आसानी से सही कर सकते हो।